उज्ज्वल जम्मू में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल खत्री। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही फेमस थिएटर आर्टिस्ट हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने डीडी काशीर, दूरदर्शन और भी कई जगह काम किया है। तो हम बात कर रहे हैं सपना सोनी जी से। सपना सोनी जी, सबसे पहले वेलकम उज्ज्वल न्यूज़ में। वासियों को क्या कहना चाहते हो? मैं ईद की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मिलजुल कर मनाइए, जैसे हिंदू दिवाली मनाते हैं तो मुस्लिम वहाँ वो भी मनाते हैं, तो उसी तरह से हमारे कुछ हिंदू लोग भी जो हैं वो ईद मनाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, जश्न मनाते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, तो मिलजुल कर रहें, तो इससे हमारी जो है वो रिलीजन्स का वो इफेक्ट नहीं आना चाहिए हमारे कल्चर में। सपना जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, और जब आपने इस सफ़र की शुरुआत की तो किन किन लोगों का आपको साथ मिला? मैं बेसिकली जम्मू की ही हूँ और जम्मू में ही रहना पसंद है मुझे, और जम्मू के लोगों से बहुत प्यार है। मैंने सफ़र की शुरुआत स्कूल टाइम से की थी। इस मीडिया से आप रिलेटेड पूछ रहे हैं, जो स्कूल टाइम में डांस वगैरह करती थी, तो दूरदर्शन से मुझे एक डांस का लिए आया ऑफर कि आपको सभी को मिलके एक डांस करना है। तो घर में स्ट्रिक्टनेस थी तो रिहर्सल्स भी नहीं जा पा रहे थे, तो फिर मेरी मम्मा मेरे साथ गए थे। तो नारायण सर, मैं उनका नाम लूँगी और थैंक यू करूँगी कि उन्होंने मुझे इस फील्ड में लाया। नारायण सर कत्थक के बहुत जाने मानी हस्ती हैं, और उन्होंने फिर नियम बन्नी दे बनेरे चार छफेरे ये गाना था, जिसमें हमें पता भी नहीं था कि टीवी कैमरा क्या होता है, कैसे डांस करना है। हमें कॉस्ट्यूम दे दिए गए और स्टूडियो में बुलाया गया और वहाँ पे हमने डांस किया। तो वहीं से मुझे भूषण कोल जी हैं, जो अभी इस वक्त दिल्ली में रहते हैं, रिटायर हो चुके हैं, सीपीसी में थे और जम्मू दूरदर्शन में भी वो एग्जीक्यूटिव थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सपना आप एंकरिंग कर सकते हो? मैंने कहा सर वो क्या होती है? तो उन्होंने बोला कि किसी विषय के बारे में आपको एक बढ़ा चढ़ा कर बताना होता है। मैंने कहा ठीक है सर, आप बताइए मुझे। तो उन्होंने बोला दिवाली का प्रोग्राम है और वो तुम्हें एंकर करना है। तो मैं घर जाके परेशान होगी, नए कपड़े लिए, ज्वेलरी ये वो, बाल बुल बनाए, बहुत एक्साइटेड थी, और मैं सोचूं क्या लिखूं इस पे। तो मुझे दिवाली का ऐसे याद था पूरा, जो रामचंद्र जी 14 वर्ष का बनवास काट कर आते हैं और दिए जलाए जाते हैं और दिवाली मनाई जाती है, वो मैंने सारा रट लिया। और बस जाकर मैं गई स्टूडियो में, तो कैमरे के सामने यूँ खड़ी होगी, सर कहते स्माइल स्माइल। मैंने कहा ओके सर, मेरी आंखें नीचे नहीं, आंखें ऊपर करो। फिर मेरी आंखें ऊपर करके बोला इस तरह से, पूरा ऐसे मैंने बोल दिया और वन टेक में ओके, और सब क्लैप करने लगे कि भाई आई यार छोटी लड़की एक टेक में ओके कर गई। अब मुझे पता भी नहीं क्लैप क्यों करें, मैंने सोचा मैंने बहुत अच्छा बोला है, तो ये सब कुछ हो गया। बस इसके बाद वहाँ से सफ़र चल निकला। उसके बाद ऑफर्स आने लगे सीरियल्स के, तो अलाउड नहीं करते थे घर वाले बाहर शूट के लिए, तो फिर भी मैंने कुछ किसी तरह कन्विंस किया, तो मैं शूट्स स्टार्ट कर दिया। बहुत मज़ा आने लगा, मुझे लगा कि शायद मैं बनी ही इसलिए हूँ, जबकि मैं मेडिकल लेना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन डेस्ट्री में जो लिखा हो उस तरफ इंसान निकल पड़ता है। तब से लेके अब तक जितना भी आपका सफ़र रहा है जी, तो कितना एप्रिसिएशन मिली है आपको इस सफ़र में, और किन किन लोग जो आपके साथ जुड़े हैं, किन किन लोगों का साथ रहा? मैं बता नहीं सकती, इतना प्यार मिला राहुल, इतना प्यार कि जो समेटे से भी कम पड़ता है, मतलब मेरे हाथ कम पड़ रहे हैं, इतना प्यार मिला है। जहाँ पर भी गई वहाँ पर लोगों ने मुझे गाइडेंस दी, और जैसे मैंने बताया नारायण सर, भूषण कोल सर, वैसे अयाश आरिफ सर है श्रीनगर से, शबीर मुजाहिद जी के साथ मैंने पहली मूवी की थी श्रीनगर के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड चल निकला अपना डोगरी मूवीज़ का, तो मानी मिलदी मोहन सिंह सर हैं हमारे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें इसमें रोल करना है। मैंने कहा सर मूवी डोगरी, मैं डोगरी मुझे इतनी आती नहीं, क्योंकि बेसिकली आई एम पंजाबन, तो डोगरी में मुझे थोड़ा वो होता था। तो फिर मैंने वो डोगरी मूवी की पहले माँ नहीं मिलती, उसके बाद दूसरी की कुगी मार उडारी, नीलम फूल जी हैं उन्होंने, मतलब अपने ही लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने मुझे खुद ही बढ़ावा दिया कि नहीं तुम ये रोल भी कर सकती हो, वो रोल भी कर सकती हो। कभी इंस्पेक्टर बनी, कभी डाकू बनी, कभी पॉलिटिशियन बनी, तो कभी डॉक्टर बनी, मतलब हर प्रोफेशन मैंने जी लिया। मुझे लगता है जो मैंने डॉक्टर बन के नहीं जीना था जीवन, वो मैंने एज ए आर्टिस्ट बन के हर रोल जी लिया है। सपना जी, जैसे कि आजकल की फीमेल्स खासकर जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो, अगर आपके अंदर कोई और काबिलियत है, जैसे कि आप अच्छी सिंगर हैं, अच्छी कुक, खाना अच्छा बनाती हैं, तो कुकरी की तरफ जाइए, या आप फैशन डिज़ाइनर हैं तो उस लाइन की तरफ जाइए। मतलब ये नहीं है ज़रूरी कि आपको एक्टिंग में ही आना है ज़बरदस्ती, नहीं। अगर आपके अंदर वो है, आपको लगता है कि मेरे अंदर कला है, गॉड गिफ्टेड है, तो आपको उस तरफ लाइन की तरफ जाना चाहिए। आपको यहाँ पर बहुत प्यार मिलेगा, और हमारे जम्मू में कला की कद्र भी है,
क्योंकि अभी आजकल थिएटर इतना चल रहा है, सैटरडे थिएटर शुरू कर दिया हाजनी सर ने, तो हर सैटरडे को थिएटर हुआ करेगा। और मैंने तो अब डायरेक्ट करना भी शुरू कर दिया, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे तो लगता है कि नए नए फ्रेशर्स बच्चे आएँ, उनको मैं सिखाऊँ जिस तरह से मुझे हुई थी प्रॉब्लम ये डायलॉग बोलने में या वो डायलॉग डिलीवरी में या कुछ प्रोनंसिएशन में, तो मैं उनको सिखाऊँ वो चीज़ें। सपना जी, अगर जम्मू का हिसाब देखा जाए, जम्मू में थिएटर कहीं ना कहीं थोड़ा कम पड़ रहा है, क्योंकि बाहर अगर देखें लोग पैसे खर्च के, टिकट खर्च के भी थिएटर देखने आते हैं, लेकिन इसके पीछे सोच क्या है लोगों की, क्यों वजह ऐसा है कि बाहर लोग टिकट खर्च के भी आने को तैयार हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा झुकाव कम है? झुकाव नहीं कह सकते, थिएटर फुल होते हैं, लेकिन हम लोगों की अपनी ही वो है कि हम टिकट नहीं रखते। हम सोचते हैं नहीं, हम प्ले करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ सर आप भी आएगा, प्लीज़ सर आप भी आएगा, ऑल आर इनवाइटेड, एंट्री फ्री, सभी जगह ये लिखा जाता है। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि हम लोग 20 रुपये या 50 रुपये भी टिकट रखेंगे तो लोग तब भी आएंगे। हम खुद ही इतने नरम दिल हैं, इतने दरिया दिल हैं कि हम नहीं रखते हैं टिकट। सपना जी, काफ़ी देर होगी आपको, आप अच्छे एंकर भी हैं, एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन कभी आपका इस तरह का प्लान बना कि मुझे मुंबई ट्राई करना चाहिए, मुझे बाहर जाके कुछ फिल्म इंडस्ट्री को, या मतलब ऑफर्स भी आए, लेकिन एक अंदर से डर है कि जैसे कहते हैं ना अपने घर में वो क्या, अपने जंगल में शेर राजा होता है, तो यहाँ पर जो मुझे प्यार मिला ना, मुझे वहाँ जाके लगता है कि मैं शायद गुम हो जाऊँगी, इतने बड़े समंदर में कहीं खो जाऊँगी। ट्राई करने का तो मन करता है, लेकिन वो होता है ना होम सिकनेस अपने अपने इसके लिए प्रति, जम्मू के प्रति। तो कभी मौका मिला तो ज़रूर जाऊँगी, लेकिन मुझे वहाँ सेटल होने का कोई मेरा इरादा नहीं है। जैसे कि आप जानते हो जम्मू में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जम्मू के कई आर्टिस्ट इस समय बाहर अच्छे अच्छे जगह पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो आने वाले हैं इस फील्ड में उनको आप क्या सजेशन दोगी, जो कि छोटी छोटी बात कौन सी ध्यान में रखें कि जो आगे जाके काम आए? देखिए, सबसे पहले तो हार्डवर्क, डेडिकेशन, उसके बाद एक अपना करेक्टर मेंटेन करिए, क्योंकि इस फील्ड में लड़कियों के लिए भी, अब तो लड़कों के लिए भी ऐसे ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइज़ का, जैसे बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इसलिए आपको लीड रोल मिलेगा, तो डायरेक्ट ना बोलिए। अगर आप में टैलेंट है तो आप उसके बल पे आगे जा सकते हैं, डेडिकेशन हार्डवर्क है आप में तो वो आपको दिखेगा सामने वाले के डायरेक्टर में, ज़रूरी नहीं है आपको शॉर्टकट में जाना है। तो इस तरह से बहुत से हमारे पास भी लोग आए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो आपको लीड रोल मिलेगा। अरे ये क्या है, क्यों करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़, हमारे अंदर टैलेंट है, आपको एक्टिंग करवानी है या कुछ और करवाना है। तो मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन को इस गैप को समझना चाहिए, इस डिफरेंस को समझना चाहिए कि आपको शॉर्टकट मत अपनाएं। सक्सेस जो है वो आपको ईमानदारी से, बहुत बहुत मीठी सक्सेस मिलती है। सपना जी, जैसे कि जितने लोग भी आपको जानते हैं, चाहे वो ऐसे आर्टिस्ट हो चाहे ऐसे एंकर हो, इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ जो लोग नहीं जानते सपना सोनी के बारे में, कोई ऐसा हिडन टैलेंट या ऐसा जो अभी तक नहीं पता? मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स मैनेजर रही हूँ और मैं वहाँ जॉब कर चुकी हूँ 7-8 साल। उसके बाद मैं PNB में थी, मेट लाइफ में, तो मुझे वो नहीं पता था कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। मैं वहाँ पे सेल्स मैनेजर थी तो मुझे पता ही नहीं था ये पॉलिसी क्या चीज़ होती है, पॉलिसी क्यों की जाती है, पागल होते हैं लोग पॉलिसी करते हैं, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती किसी ने वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए दौरान रखा और मैंने पास आउट किया। और उसके बाद मैंने इमेजन 201 पॉलिसीज़ की, और वहाँ से मुझे एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, MDRT होता है, जितने भी काउंसिल्स होते हैं वो मैंने क्लियर की। और मुझे समझ नहीं आया ये मेरे अंदर टैलेंट था कि मैं जाके लोगों को समझाऊं कि पॉलिसी, अपनी जीवन का बीमा करवाइए और अपनी लाइफ सिक्योर कीजिए। तो वहाँ पर मुझे, मैंने जॉब की, और सच्ची में ये मैं आज भी हैरान हूँ कि मैंने वहाँ पर एक मलेशिया का ट्रिप भी लगाया, इस्तानबुल गई, केरला गई फ्री, मैंने एक फॉरेन ट्रिप्स लगाए, ये टैलेंट था मेरे अंदर। तो मैम आपसे एक और बात पूछेंगे कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट क्या हैं? अभी फंटासिया एक मूवी है बलजीत सर की, उसका शूट चल रहा है, और मैं थिएटर कर रही हूँ अभी, सैटरडे थिएटर के लिए एक प्ले है, और श्रीनगर जा रही हूँ, थिएटर फेस्टिवल है जो कि मंजूर अहमद मीर जी करवा रहे हैं, तो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हूँ एज ए आर्टिस्ट, और एज ए डायरेक्टर जम्मू के लिए प्लेस कर रही हूँ, तो उसी की रिहर्सल्स में बिजी रहती हूँ। एज ए आर्टिस्ट आपकी गवर्नमेंट की तरफ से क्या मांग है कि इसको, जो यहाँ पर थिएटर होते हैं या फिर जितने भी आर्टिस्ट हैं, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, थिएटर को बढ़ावा देने के लिए क्या स्टेप उठाए जाएं? मुझे लगता है जिनको कम से कम 20-25 साल हो चुके हैं थिएटर से, मुझे तो इतना टाइम नहीं हुआ, जो हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक सैलरी फिक्स की जाए एटलीस्ट, कि वो आप कीप वर्किंग, आप कर रहे हैं तो आपको कम से कम उसमें कुछ मिलना चाहिए।
या कुछ आपके ग्रुप्स को कुछ मिलना चाहिए परमानेंटली, ये नहीं कि आप प्ले कर रहे हो, आप करोगे उसी के दौरान आपको 15,000 या 20,000 दिया जाएगा, और आप होना चाहिए परमानेंटली जो 25-30 साल से, जैसे विजय मल्ला जी हैं नुक्कड़ नाटक करते हैं कितने, तो एक परमानेंट सैलरी होनी चाहिए ताकि वो अपना खर्च निकाल सके थोड़ा बहुत, जो कि वो चाय पानी बच्चों को पिलाते हैं या रिहर्सल्स के दौरान जो खर्चे होते हैं छोटे मोटे, वो अपना भी एक जीवन व्यापन कर सके, क्योंकि आपको लगता नहीं जो इसी पे डिपेंडेंट है वो क्या करते होंगे, उनके घर की क्या हालत होती होगी, तो गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि एटलीस्ट कुछ उनको सैलरी उनकी लगाई जाए। मैं होती तो मैं लगाती। आने वाले टाइम में आप थिएटर को कहाँ देखते हो? थिएटर को मैं मेरी नज़र से देखे तो वो आसमान की बुलंदियों के ऊपर होता है ना, एक रूहानी वो आसमान वो होता है वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि अगर सारे मिलजुट के काम करें, जेलेसी फैक्टर छोड़ दें, लेग पुलिंग छोड़ दें, तो हमारा थिएटर, हमारे जम्मू कश्मीर का थिएटर बहुत ऊपर लेवल तक जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। आप मेरा इतनी बारिश में इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके पीछे आपकी क्या मतलब, क्या राय क्या है? देखिए, इंटरव्यू लेना वो मेरा काम है, और आपने इंटरव्यू दिया है क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो, आप किसी भी जगह पर किसी भी सर्कमस्टांसिस में आप दे सकते हो, तो इसी वजह से आपका बारिश वगैरह कुछ नहीं कहती। एक आर्टिस्ट अगर जब प्ले भी कर रहा हो, कुछ परफॉर्म भी कर रहा हो, तो वो ये सब चीज़ें नहीं देखता। अच्छा, अगर आपको इस मौसम के दौरान गाना गाना पड़े तो कौन सा गाना गाएंगे? जी गाना, मैं आई एम नॉट ए गुड सिंगर बिकॉज यू आर द मल्टी टैलेंट, मे बी पास है, ये दूर क्यों भाग रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, गाना तो मैं नहीं गा सकता, लेकिन क्योंकि मैं गाना गाना जानता नहीं हूँ, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, अगर आप ही कुछ सुना दें तो मैं उसके साथ साथ कोरस दे दूंगा। ये तो गलत बात हो गई राहुल जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आज मेरा नहीं राहुल जी का भी इंटरव्यू है, इन्होंने पहले अदिति मैम का लिया था, उसके बाद हमारी सिंगर डोगरी सिंगर कौन, सरस भारती जी सरस का लिया था, और अब मेरी बारी है, तो आज मैं इनसे पूछूंगी कि ये इसके पीछे इनका क्या वो है कि हम लोगों को क्यों चुन रहे हैं, हम लोगों में इन्होंने क्या देखा? देखिए, बात ऐसी है कि जम्मू के आर्टिस्ट जितने भी हैं काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हाइलाइट करना ये हमारे उज्ज्वल जम्मू का एक उद्देश्य है, और हम इस पर खरा उतरेंगे। थैंक यू, मैंने अपना एंकर बना दिखा दिया। थैंक यू मैम, आपने उज्ज्वल न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच उज्ज्वल न्यूज़ कैमरामैन, हमारे उनका नाम तो आपने बताया नहीं, अमित जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू राहुल, बाय गाइस, बाय, टेक केयर, बाय। ये थे सपना सोनी जी, जिनसे हमारी अभी बात हुई है, इन्होंने अभी काफ़ी अच्छे अच्छे सवालों के अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि आर्टिस्ट जो है वो शॉर्टकट ना अपनाएं, मेहनत करें और अच्छा मुकाम हासिल करेंगे।